थोड़ा वाइड वाइड में, कितना वाइड रहता था? सामने मत जाइए सर, सामने मत जाइए, उधर से ऊपर से, ऊपर से जाएंगे ना सर, सर ऊपर, सचिन भाव साहबान वर्ण 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 ही करा नहीं जा छत्रपति शिवाजी महाराजांचा सचिन भाऊ साठे, सचिन भाऊ साठे आगे बढ़ो, सचिन भाऊ साठे आगे बढ़ो, जरा 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 दादा दादा लाइव कार्ड डेस को माना अरे जैसे मजा है ना बोला हेलो शस्त्र का शस्त्र का चलो चला यार चला रुको रुको वो स्वागत कर भैया हो गया कवर हो गया चलो चला 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 चलो 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 चला 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 हमारे बीजी देशमुख जी श्री भगीरथ भारती जी श्री हरिभाव राठौर जी घनश्याम जी कदीर मौलाना जी भानुदास मुरकुटे जी और महाराष्ट्र बीआरएस के प्रभारी श्री वंशीधर राव जी मेरे मित्र और महान व्यक्ति अन्ना भाव साठे के पोता श्री सचिन साठे जी अन्ना भाव साठे के जो वारिस है सावित्री बाई साठे जी गणेश जी आज सचिन साठे ने मुझे ऐसा मौका दिया। जीवन में तो बहुत कुछ करते रहते हैं, कई सभा में जाते हैं, कई जगह भाषण भी देते हैं। मैं सबसे पहले यहां इस मंच से महाराष्ट्र के पावन धरती को सर झुका के प्रणाम करता हूं। वाटे गांव जो एक महान व्यक्ति अन्ना भाव साठे को जन्म दिया है उनके जन्म स्थल को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज बड़ी प्रसन्नता मिली है सचिन भाव साठे के तरफ से, आप सभी लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अन्ना भाव साठे उनके जो तड़प जो कविता है सारे समाज के लिए शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए ही था। सोशलिज्म के तरफ भी उनका रुझान था। संयुक्त महाराष्ट्र के मोर्चा के आगे भी वो चले, बहुत बड़ा सम्मानित कवि भी थे, इसलिए उनको टाइटल दिया गया लोक शायर। ये बहुत कम लोगों को मिलता है, शायर तो कई होते हैं लेकिन लोक शायर जो लोगों के लिए खास तौर पर जो वंचित है पीड़ित है शोषित है बॉटम लाइन में है उनके लिए लिखने वाले गाने वाले कम होते हैं। लेकिन अन्ना भाव साठे ने कभी पीछे नहीं हटा, इसीलिए बड़ी खुशी की बात है, सारे भारत को गर्व की बात है। रशिया जैसा एक महान देश अन्ना भाव साठे को पहचाना लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं पहचाना। उन्होंने पहचाना और खास यहाँ के प्रधानमंत्री को इतला करके उनको रशिया पे बुला लिया, सम्मानित किया
और ऑल रशिया लाइब्रेरी में आज अन्ना भाव साठे का मूर्ति को भी प्रतिष्ठापन किया। रशिया कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो मैक्सिम गोर्की थे, उनका विशेष नावल है माँ, हम तेलुगु में कहते हैं अम्मा। उस माँ के नाम का जो नावल है मैक्सिम गोर्की का, वो पूरे दुनिया में मशहूर है। कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, हर देश में उसका उपलब्धि है। लेकिन बड़ा दुख की बात यह है, रूस सरकार ने अन्ना भाव साठे को इंडियन मैक्सिम गोर्की कहा है, भारत के मैक्सिम गोर्की। इतने महान हस्ती जो वंचित के लिए, पीड़ित के लिए अपनी कलम से काफी लिख चुके हैं, काफी कह चुके हैं, काफी लड़ाइयां लड़ चुके हैं, उनके प्रति इस देश में कोई सम्मान का भावना नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है। सचिन भाव मेरे पास जब आए थे मेरे साथ राजनीति का काम करने की इच्छा लेकर के, कुछ किताब मुझे दिए थे जो अन्ना भाव साठे के।